नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता 29 मई को होने वाली कुरुक्षेत्र रैली का न्योता देने जगाधरी पहुंचे। वहीं आम आदमी पार्टी में लोगों की नई ज्वाइनिंग भी हुई। दूसरी पार्टी से आए कुछ नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा। सुशील गुप्ता ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी में हर कोई आना चाहता है और लोग जुड़ भी रहे हैं। हरियाणा में 3 लाख लोग अब तक आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली में 2 से 3 लाख लोग पहुंचेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता जगाधरी देरी से जरूर पहुंचे, लेकिन आम आदमी पार्टी के वर्कर घंटों इंतजार के बाद भी पंडाल में बैठे रहे। देर से आए प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता ने माफी मांगते हुए कहा कि आप लोगों का हौसला देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि उनके लेट होने के बाद भी आप इतनी गर्मी में बैठे रहे। वहीं पर बीएसपी और कांग्रेस के कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। इस पर सुशील गुप्ता ने उनके गले में पटके डालकर उनका पार्टी में स्वागत किया। इतना ही नहीं, दर्जनों भर गांवों के पूर्व सरपंचों ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। लोगों की सेवा करना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छी चिकित्सा देना, 24 घंटे बिजली पानी देना, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना, किसान को सम्मान देना, महिला को सुरक्षा देना, युवक को एक्सपोजर देना। पंजाब में बिजली के कारण लोग ट्राई ट्राई कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? क्या आपके पास होगा नहीं तो आगे देख लो? देखिए, पंजाब सरकार व्यवस्था के अंदर लगी हुई है और बहुत बेहतरीन व्यवस्था पंजाब के अंदर चल पड़ी है। पिछले कुछ दिन बिजली का क्राइसिस रहा था, परंतु उसको निपटा दिया गया। गुप्ता जी, पुराने लोग बहुत से कांग्रेस या अन्य पार्टी से आपके पास आ रहे हैं, तो जब टिकटों का बंटवारा होगा क्या नए आदमियों को दिया जाएगा या जो पुराने कार्यकर्ता है? टिकट तो जनता जिसको बोलेगी उसको देंगे, जनता मालिक है। सर्वे के लिए आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाएगी, जनता कहेगी ये आदमी अच्छा इसको दे दो, ये जीत सकता है इसको दे दो, उसको दे देंगे। लोगों की सेवा करना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छी चिकित्सा देना, 24 घंटे बिजली पानी देना, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना, किसान को सम्मान देना, महिला को सुरक्षा देना, युवक को एक्सपोजर देना। पंजाब में बिजली के कारण लोग ट्राई ट्राई कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? क्या आपके पास होगा नहीं तो आगे देख लो? देखिए, पंजाब सरकार व्यवस्था के अंदर लगी हुई है और बहुत बेहतरीन व्यवस्था पंजाब के अंदर चल पड़ी है। पिछले कुछ दिन बिजली का क्राइसिस रहा था, परंतु उसको निपटा दिया गया। तो जनता जिसको बोलेगी उसको देंगे, जनता मालिक है। सर्वे के लिए आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाएगी, जनता कहेगी ये आदमी अच्छा इसको दे दो, ये जीत सकता है इसको दे दो, उसको दे देंगे। आम आदमी पार्टी से लगभग 3 लाख से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, हर रोज जुड़ रहे हैं। अभी तक किस किस पार्टी के नेता जो हैं आपके साथ जुड़े? आम आदमी पार्टी आम आदमी से बड़ा कोई नेता नहीं मानती और आम आदमी पूरे हरियाणा से जुड़ रहा है। आम आदमी जो किसी भी पार्टी में था उन सब का अभिनंदन है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त था वो किसी का स्वागत नहीं है। तो कितने का आदमी 29 मई को जो रैली हो रही है, किस तरह से 2 लाख से ऊपर लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं? तो आज आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ हैं तो हरियाणा में जैसे पंजाब में लागू हुई है, दिल्ली में लागू हुई है, तो हरियाणा में क्या ये शोर शोटी और जितने भी लोग अब बढ़ रहे हैं यहाँ पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि ये पार्टी में ऐसे ही इनको किसी पद का लालच है, कैसे आ रहे हैं? बिना पद के आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी में आम व्यक्ति आता है जो पद के लिए नहीं आता, व्यवस्था बदलने के लिए आ रहा है, अच्छे स्कूल बनाने के लिए आ रहा है, अच्छे हॉस्पिटल बनाने के लिए आ रहा है, बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए आ रहा है, किसान की हालत को सुधारने के लिए आ रहा है, गुंडा राज खत्म करने के लिए आ रहा है, इस धर्म और जाति की राजनीति को खत्म करने के लिए आ रहा है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।